वेरी गुड मॉर्निंग. यस, 6A, 6B, 6C. वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सो लेट्स क्विकली डू एन एक्सरसाइज. रब योर हैंड्स फास्ट एवरीवन. 6A, 6B, 6C. यस, रब योर हैंड्स क्विकली, 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 क्विकली. यस, एंड नाउ पुट योर हैंड्स ऑन योर आईज. यस. Yes, that's really good. Now remove your hands. Remove your hands. सोना नहीं है, ठीक है? Now breathe for 5 times. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. And last, breathe in, breathe out. That's good. That's good. So now we are going to start our new session, that is electric current and circuits. So students, ये already आपकी क्लास में हो चुका है. Raise your hand to confirm this. Yes, ये chapter आपकी क्लास में हो चुका है. As per my knowledge, it is done. Yes, 6A, it is done. This chapter is done in your class. Yes. Okay, 6B, it is done. And 6C, it is done. मैम हाफ इज डन। Half is done. Till what? Like, कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं बेटा? Who will tell me from 6th C? कंडक्टर Yes? इंसुलेटर, कंडक्टर एंड कंडक्टर एंड इंसुलेटर। Are left? These are the topics that are left. एक्सक्यूज मी मैम, Yes, yes ma'am. दे डोंट हैव वर्कशीट, दे विल गेट इन 5 मिनट्स। ओके ओके, डोंट वरी मैम. ओके, सो यस, सो ओनली इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स आर लेफ्ट बेटा. थैंक ओके, दीज आर डन. ओके, यू मीन ओनली दीज आर डन. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन राउंड. हम क्वेश्चन वे में करेंगे, सो दैट, और प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन. जो भी क्वेश्चन अभी आपको दिखेंगे उसको साथ साथ नोट करना. अदरवाइज जिनके पास वर्कशीट है, जिनके पास, लिसन बेटा केयरफुली, फर्स्टली दोज हु आर हैविंग वर्कशीट विद देम, यू डोंट राइट, नीड टू राइट क्वेश्चन, जस्ट राइट द आंसर नंबर, ताकि आपको पता चले इस वर्कशीट का आंसर ये था. ठीक है? अगर हम क्वेश्चन वन कर रहे हैं तो राइट डाउन आंसर वन. जिनके पास अभी वर्कशीट नहीं पहुंची, दो स्टूडेंट कैन राइट द क्वेश्चन ऑल्सो इन देयर नोटबुक. ठीक है? So that is one. So now let's begin. Okay. So first question. Find out the luminous objects from the following. किसी को आंसर आता है ये? Okay. From 6th C, I can see 6A also, 6B also. But उससे पहले, can anyone of you tell me what is luminous objects? What do you mean by luminous object? 6A से हरप्रीत कौर is there. 6A हरप्रीत कौर. यस बेटा, बताओ, कैन यू टेल मी व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? किसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दैट आर दैट यस बेटा, डू यू नो द आंसर? दैट आर ओके बेटा, यू सिट डाउन. फ्रॉम सेम सेम क्लास अमृत सिंह इज देयर. यस बेटा, मैम, दी ऑब्जेक्ट दैट हैव देयर ओन लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट. दैट्स गुड, दैट्स गुड. जिनकी अपनी खुद की रोशनी होती है, एंड दे इमिट देयर ओन लाइट, ठीक है, उसी की वजह से उनसे खुद से लाइट निकलती है. तो अब वो हमारा क्वेश्चन था. नाउ फ्रॉम द 6B, 6B अंशु कुमारी इज देयर. 6B अंशु कुमारी,
बेटा टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो जिनको ल्यूमिनस का नहीं पता था, दे कैन राइट दोज ऑब्जेक्ट हु कैन इमिट देयर ओन लाइट. हु कैन इमिट देयर ओन लाइट. नाउ बेटा आप मुझे बताओ अमृत, सो इनमें से कौन से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं जिनकी अपनी खुद की रोशनी होती है? मैम ओके, सन एंड स्टार्स. सन एंड स्टार्स, दैट्स राइट. सो दीज आर, वी कैन से सन एंड स्टार्स आर ल्यूमिनस, बट व्हाट अबाउट मून? व्हाई? मैम इट इज नॉन ल्यूमिनस मैम, बिकॉज इट टेक्स लाइट फ्रॉम सन. इट टेक्स लाइट फ्रॉम सन. उसकी खुद की रोशनी नहीं है, सन की रोशनी जब पड़ती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट, बाउंस करता है. ठीक है, यस बेटा, सिट डाउन, बोथ सिट डाउन. अब आ जाते हैं मून, इट्स नॉन ल्यूमिनस. बल्ब, व्हाट अबाउट बल्ब? व्हाट अबाउट बल्ब? बल्ब को कोई रोशनी दे रहा है? दे रहा है बल्ब को कोई? हमारे कमरे में भी बल्ब लगा है, क्या इसको रोशनी कोई दे रहा है? नो सो इज इट ल्यूमिनस और नॉट? इट इज ऑल्सो ल्यूमिनस, बट इट इज मैन मेड और आर्टिफिशियल ल्यूमिनस. अर्थ, अर्थ इज ल्यूमिनस. नो ट्यूबलाइट. नमी. सो दीज आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. नाउ वी नो स्टार्स एंड सन्स आर नेचुरल, उनको हम नहीं दे रहे, उनके पास खुद का है. ठीक है, बट वेन वी टॉक अबाउट ट्यूबलाइट्स और बल्ब्स, दीज आर आर्टिफिशियल, दीज आर मैन मेड. सो अब ये कैसे हमें रोशनी दे रहे हैं? हाउ दे आर गिविंग अस लाइट? यस, सिक्स है, सिक्स है, फर्स्ट बेंच बॉय. यस बेटा, बाय इलेक्ट्रिसिटी. बाय इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स फाइन, बट हाउ इलेक्ट्रिसिटी गिव देम लाइट? अच्छा, किसको पता है कि सारे के सारे पूरे अर्थ में, यूनिवर्स जहां भी है, कोई चीज बनी होती है, कोई भी चीज, माइन्यूट टू माइन्यूट, इज मेड अप ऑफ व्हाट? ये आपने क्लास फिफ्थ में पढ़ा हुआ है एक वर्ड. ओके, आई एम गिविंग यू क्विक रिकैप ऑफ दैट. मैटर यस, क्लास फिफ्थ में पढ़ा है मैटर. यस और नो? तो व्हाट इज मैटर? ओके, सबने अच्छा रट्टा लगाया हुआ है. यस, दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह घेरता है और जिसका कोई वजन होता है, दैट इज मैटर. ठीक है, एटम. अब मैटर किसका बना होता है? एटम. एटम में क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसमें से एक पार्टिकल का नाम है इलेक्ट्रॉन. क्या नाम है? और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इट्स अ नेगेटिवली चार्ज. अभी बेटा हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी आपके टॉपिक में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, मैटर, हम सारे मैटर, वी ह्यूमंस आर मैटर. ठीक है, बिकॉज वी हैव मास, वी आर ऑक्यूपाइंग स्पेस, एंड वी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ दीज टाइनी सब्सटेंसेस. ठीक है, अगर हम जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ, वी कैन से, वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी वर्ड. ठीक है, कोई वर्ड ले लेते हैं, पहले तो हम लेटर्स लेते हैं. लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे. अभी यहां तक मैंने अल्फाबेट्स लिख दिए. जस्ट इमेजिन दीज अल्फाबेट्स आर एटम्स, ये एटम्स है. ठीक है, व्हेन वी ज्वाइन देम, अगर हम इनको ज्वाइन कर दें, कोई भी लेके, सपोज कर लो मैंने एक बी ले लिया, एक मैंने ए ले लिया और एक मैंने जी ले लिया. सो दीज एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ वर्ड, दैट इज बैग. है ना, अब तो ये वर्ड बन गया, इट्स अ वर्ड नाउ. अर्लियर इट वॉज वर्ड, इट वॉज लेटर. ये क्या था? लेटर था, इट वॉज लेटर. तो ये जो लेटर्स थे उसको हम कंपेयर कर सकते हैं और एग्जाम्पल ले सकते हैं. दीज आर लाइक एटम्स,
जो कि ज्वाइन हुए तो उन्होंने बना दिया मैटर। तो अब ये हमारे पास जो वर्ड है वो लाइक मैटर। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड, छोटी छोटी चीजों को जब हम इकट्ठा करके बना रहे हैं दैट इज मैटर। और वो जो छोटी छोटी चीज है वो क्या है, दीज आर एटम्स। गॉट इट? क्लियर है सबको? अब जो ये लेटर्स हैं उसको भी हम फर्दर कह देते हैं जस्ट इमेजिन। ओके, असली में ऐसा नहीं होता, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम डूइंग दिस। अगर मैं इसको बीच में से ब्रेक कर दूं ध्यान से, ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, असली में ऐसा नहीं होता जो मैं भी कर रही हूँ। ऊपर वाले को हम कह देते हैं ये पॉजिटिव है, नीचे वाले को कह देते हैं नेगेटिव है। अब जो पॉजिटिव वाला है उसका नाम होता है प्रोटॉन्स, और जो नेगेटिव वाला है उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो चीजें एटम्स में होती हैं। कौन सी दो चीजें? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये लिखते चलो ताकि आपको जब आप याद करो, अंडरस्टैंड करो, सो इट बिकम वेरी इजी फॉर यू टू रिलेट। ठीक है? सो पॉजिटिव प्रोटॉन्स, नेगेटिव्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम नीचे से चलते हैं। दो हमारे पास जो लेटर्स है वो हाफ पड़े हैं, तो एक को हमने नेगेटिव कहा, एक को हमने पॉजिटिव कहा। पॉजिटिव वन इज आर प्रोटॉन्स, नेगेटिव वन इज इलेक्ट्रॉन। जब इनको हमने ज्वाइन कर दिया वी गेट एटम, और बहुत सारे जब एटम क्लब हो गए तो वी गेट मैटर। इज इट क्लियर? क्लियर रेज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर, रेज योर हैंड्स। यस, 6A, इज इट क्लियर? 6A, ओके दैट्स फाइन। सो दिस से अब हमने ये चीज क्यों पढ़ी, इलेक्ट्रॉन्स क्यों पढ़े हमने? अब मुझे बताओ, कई बार ये कहा जाता है वाटर करंट। क्या वाटर में करंट है? वाटर करंट, करंट मतलब होता है जब हम वी आर यूजिंग अ वर्ड करंट। ओके, व्हेन वी आर यूजिंग अ वर्ड करंट दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लो। फ्लो, करंट मींस फ्लो, कोई चीज बह रही है। करंट मतलब फ्लो। यू शुड अंडरस्टैंड, जब हम पढ़ रहे हैं तो उसका हमें बेसिक पता होना चाहिए। व्हेन वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट क्या तो तब क्या बह रहा है बेटा? इट्स इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई द नेम इलेक्ट्रिक कम फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्र तक वर्ड लिया गया और उससे इलेक्ट्रिक वर्ड बना। ठीक है? सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब जाते हैं, चलते हैं, देन दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। उनके इलेक्ट्रॉन्स के चलने के कारण इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है? जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। इज इट क्लियर? क्यों क्यों इलेक्ट्रिक करंट नाम है? करंट मीन्स फ्लो, इलेक्ट्रिक कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। सो हु इज फ्लोइंग हियर? इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। ठीक है? सो दैट इज व्हाई वी से इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें एक और चीज अंडरस्टैंड करने वाली होती है। ठीक है, वन मोर थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हेयर। अब जो ये फ्लो है, ठीक है, अब जो करंट और उसका जो फ्लो है, करंट और इलेक्ट्रॉन। ओके, आपके असाइनमेंट है बेटा, निकालो फटाफट, फिर उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करें। आई थिंक यू आर गेटिंग योर असाइनमेंट राइट नाउ। अब आप सबने सेल्स देखे होंगे, सेल्स सबने देखे हैं घर पे, टॉर्च में सेल डालते हैं। इवन हेयर आल्सो आई कैन शो यू सेल्स। नो तो बेटा जो सेल्स होते हैं दीज आर लाइक दिस। यस, यस एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे लिखा होता है। यस अब जो करंट है
और जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो फ्लो होता है ऑपोजिट होता है। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो इन विच डायरेक्शन, दे फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू, नेगेटिव। अगर मैंने ये लिखने लगा तो ये सही होगा, करेक्ट नहीं कराना होता मैम को, इट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही बेटा, करंट की नहीं, इट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट डाउन बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। नाउ व्हेन वी से अबाउट करंट, करंट है वो ऑपोजिट आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो करंट होएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। दीज आर ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दीज आर ऑलवेज फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ये अगर हम कहें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन वी टॉक अबाउट करंट, When we talk about current, so it's in different way. It's positive to negative. Current की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरी वन। मम्मी दैट्स गुड बेटा। अब नेक्स्ट थिंग आ जाती है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। अब आपकी क्लास है, ठीक है, ABC सेक्शन बैठे हुए हैं। अगर मैं एक ही क्लास में 6A में 6B और 6C के स्टूडेंट्स को भी बिठा दूं, सो क्या आप मूव कर पाओगे क्लास के अंदर? नो। अब लेकिन क्योंकि आप अलग अलग आराम से बैठे हो, कैन यू मूव नाउ? सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स दोज आर फ्री, ठीक है, जो बंधे नहीं है, ठीक है, एटम्स के साथ एकदम ऐसे बैठे नहीं है, दोज कैन मूव एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो ओनली यहां पर एक स्टार करके लिख दो, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, अब इसी के साथ हम पहले 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं असाइनमेंट के, क्योंकि दीज आर रिलेटेड टू दिस ओनली, ठीक है। लेट्स अटेम्प्ट दीज 5 क्वेश्चंस। सबका हो गया रिटन पार्ट? हैव यू डन दिस? सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम 6A? प्रणव आ जाओ, 6A प्रणव, प्रणव इज देयर? जिसके पास माइक है बेटा, मेक श्योर करो दैट पर्सन इज प्रेजेंट और नॉट। प्रेजेंट। ओके, सो बेटा बताओ इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। That's really good. So yes, answer is flow of electric current. ठीक है?
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सब अपने उसमें असाइनमेंट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मार्क कर लो, ये भी हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट? 6B से आ जाओ, गुरनूर सिंह, 6B गुरनूर सिंह, कम फॉरवर्ड। यस आ जाओ बेटा, इसका आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट, अभी जस्ट हमने पढ़ा है ताकि हम फटाफट आंसर भी कर सकें। यस 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 मैम, नेगेटिव। यस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, आंसर इज बी। सिट डाउन बेटा, दैट्स गुड। 6B सॉरी 6C से अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज द मेन रीजन दैट मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? वेल सो फ्रॉम 6C, हाँ ओके लेट मी कॉल, 6C से आ जाओ दिल सीरत कौर, दिल सीरत कौर। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। यस सो आंसर इज बी, दे हैव फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स क्या होते हैं बेटा? आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सो दीज आर मेटल्स, ठीक है। और मेटल्स को वो मेटल्स जो है इलेक्ट्रिकल जो अप्लाइंस है, अगर आप देखोगे वायर्स वगैरह में मेटल्स यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उनके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन है। फ्री मूविंग होने की वजह से क्या होंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स फटाफट मूव करेंगे और करंट भी फटाफट जनरेट होगा, दैट्स द रीजन। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। सेम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाई आर मेटल वायर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स? आ जाओ 6B से, फर्स्ट बेंच बेटा, आपका हैंड रेज हुआ था। यस बेटा कॉर्नर बॉय। मैम बिकॉज मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड ऑल्सो यहां पर एक रीजन दे रखा है, दे हैव फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन। सो राइट डाउन एवरीवन, सिट डाउन बेटा, दैट्स गुड। राइट डाउन द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज बिकॉज दे हैव फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन कैसे एक दूसरे से लिंक कर रहा है, बिकॉज दे हैव फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, सो दैट टाइम ऑल्सो यू कैन से बिकॉज दे हैव फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फुल स्टॉप। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल इज यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इज यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ठीक है, तो ये था सारा इलेक्ट्रिक करंट कैसे आता है, ठीक है। अब हमारे पास एक करंट आता है जो हमारी वायर्स में आ रहा है, घर पे आ रहा है, दैट इज डिफरेंट, उसको भी हमने ज्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि दैट इज इन योर सिलेबस, ठीक है। डैम से, वॉटर से बनता है, ये सब हम बाद में हायर क्लासेस में करेंगे। इन योर सिलेबस दैट इज रिलेटेड टू द सेल, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द सेल। अगर हम सेल की बात करें, सबने सेल देखा होगा अपने घर में, देखा है सबने देखा है, ठीक है। अब जो ये सेल होता है, इट इज लाइक दिस,
जो भी हमने पढ़ा भी था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। अब एक वर्ड आप कई बार सुनते होंगे, बैटरी खराब हो गई है टॉर्च की, सेल खराब हो गए हैं टॉर्च के, क्या ये दोनों वर्ड सेम है? दीज आर सेम? नो दीज आर नॉट सेम? नो यस, सो दीज आर नॉट सेम। क्या डिफरेंस है, कौन बता सकता है? हु कैन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अ बैटरी एंड अ सेल? यस, सिक्स सी, फर्स्ट बेंच गर्ल। यस, मैम, अ बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, दैट्स गुड। एंड व्हाट इज सेल देन? मैम, सेल इज अ सिंगल। सेल इज अ सिंगल यूनिट, है ना। और फर्स्टली हम सेल पे आते हैं सबसे पहले, है ना। सेल बेसिकली हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग करंट। इट प्रोड्यूस करंट। हाउ इट प्रोड्यूस करंट? कैसे करंट प्रोड्यूस करता है सेल, कोई बता सकता है? इट प्रोड्यूस करंट, रट्टा लगा लिया, करंट आता है इससे। कैसे आता है, क्या है इसके अंदर? कुछ है, आपकी बुक में भी दे रखा है बेटा। इसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं, अभी हमने ज्यादा डीप में नहीं जाना। इसके अंदर कुछ पेस्ट है, ठीक है। पेस्ट किसका है? मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। राइट डाउन बेटा, ये सब आपने लिखते चलना है। अमोनियम क्लोराइड क्या है इसके अंदर? अमोनियम क्लोराइड। इसके अलावा इसके पास जिंक भी है, ठीक है। इट इज है ग्रेफाइट, जिंक क्लोराइड, मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। वो आपकी बुक में दे रखा है। नाउ दिस सेल इज हैविंग ड्राई पेस्ट, ठीक है। ये सारे केमिकल्स ड्राई फॉर्म में है, नॉट लिक्विड फॉर्म। सो दिस सेल इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? ड्राई सेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई सेल बिकॉज द केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस सेल इज इन मॉइस्ट और ड्राई फॉर्म, नॉट इन लिक्विड फॉर्म। गीला नहीं है इसके अंदर कुछ भी। इसके अंदर कैसा है? ड्राई फॉर्म में केमिकल्स है, इसलिए इसे ड्राई सेल कहते हैं। अब कई सेल्स जो होते हैं उनमें लिक्विड होता है, तो उनको ड्राई सेल नहीं कहते, वो हम बाद में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। अभी सिर्फ ड्राई सेल मतलब ड्राई से याद कर लो, दे हैव ड्राई केमिकल्स, ठीक है। दे डोंट हैव लिक्विड कंपोनेंट्स, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ड्राई सेल्स। अब क्या होता है, इनके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है, इसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है, ये बेटा आपने पढ़ा होगा चेंजेस में, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। या फिर आपने जो है सॉर्टिंग या सेपरेशन के टाइम भी कुछ चीजें पढ़ी होंगी रिलेटेड टू दिस। केमिकल जो प्रेजेंट है उसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो केमिकल एनर्जी है, क्योंकि केमिकल है तो इसमें केमिकल एनर्जी होगी, वो कन्वर्ट होती है ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस इनटू इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट्स व्हाई इट गिव अस करंट। ऐसे नहीं कि ऐसे दे देगा, और ये तब तक देगा जब तक केमिकल प्रेजेंट है। कुछ टाइम बाद, क्योंकि वी आर कीप ऑन यूजिंग दिस सेल, अगर हम इसको ऑन रखते हैं, से घड़ी में डाले रखते हैं, तो वो केमिकल बार बार जो है लगातार यूज होता जा रहा है, कन्वर्ट होता जाता है इलेक्ट्रिक करंट में। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब केमिकल खत्म हो जाता है, केमिकल एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है, केमिकल एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उस टाइम हमारा जो सेल है वो डेड हो जाता है। व्हेन केमिकल एग्जॉस्ट सेल स्टॉप वर्किंग, वो काम करना बंद कर देता है और हमें रिप्लेस करना पड़ता है। वी नीड टू रिप्लेस इट। इज इट क्लियर? कैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है? क्योंकि केमिकल प्रेजेंट है उसमें, केमिकल एनर्जी के कारण वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है, और हम अगर उसे यूज करते रहे तो ये रिएक्शंस होते रहेंगे, केमिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट होती रहेगी और केमिकल खत्म होता जाएगा। तो जब वो खत्म हो जाएगा, जब केमिकल ही नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे,
केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, तो हमारा जो भी अप्लायंस है वो काम करना बंद कर देगा। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? कोई डाउट है बेटा? प्लीज डू रेज योर हैंड, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है इसी का कॉन्टिन्यूशन आपके 7th में और 8th में भी है। अगर यहाँ पर कुछ डाउट रहेगा तो आगे भी डाउट रहेगा। सो डू आस्क मी, अगर कोई भी डाउट आता है, वट एवर डाउट यू हैव रिगार्डिंग दिस टॉपिक, डू आस्क मी। ठीक है, सबको क्लियर है ये वाली चीज? अब आ जाते हैं, हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, अब ये सबने लिख लिया, हैव यू नोटेड डाउन? अब हमारे पास जो सेल है, हम जो डालते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर हमने किसी चीज में डालिए तो कैसे डालेंगे? अब यहाँ पर जो मैं ये सेल डाल रही हूँ उसका कौन सा पार्ट जो है यहाँ पर होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव तो जब हमारे पास यहाँ पर एंड में नेगेटिव है तो उसके साथ होना चाहिए पॉजिटिव। अगर इस अरेंजमेंट के हिसाब से हमारा जो है टॉर्च में या किसी भी चीज में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में सेल जाएगा, देन इट विल वर्क, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर एक से ज्यादा सेल है, मोर देन वन सेल, इट इज कॉल्ड बैटरी। नाउ इट विल नॉट कॉल्ड एज सेल, इसको हम कहेंगे बैटरी है ये। जब एक से ज्यादा सेल होते हैं देन इट इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, और अगर जस्ट इमेजिन एक हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसमें हमने पहले सेल डाला था और अब हमने बैटरी डाल दी, मतलब मोर देन वन सेल डाल दिया, क्या होगा? बताओ क्या होगा? आज मैंने आपको एक चपाती की जगह दो चपाती दे दी, क्या होगा? ज्यादा देर तक एनर्जी रहेगी या नहीं रहेगी? ज्यादा रहेगी। सेम ऐसे मैंने एक सेल की जगह दो सेल या तीन सेल जितने भी थे बैटरी दे दिया, सो व्हाट विल हैपन? जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो क्या करेगा? वर्क फॉर लॉन्गर टाइम, ज्यादा देर तक काम करेगा। जहां वो 2 दिन करना चाहिए वो 3 दिन तक या 4 दिन तक कर सकता है। गॉट इट? चलो अब इससे रिलेटेड पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारा साथ साथ हम जो इसको कंप्लीट भी करें। ओके, 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। 8th क्वेश्चन, कम टू द 8th क्वेश्चन। हाउ सेल्स प्रोड्यूस करेंट? सो 6 से आ जाओ, फ्रॉम 6 से हर्लिन कौर, 6 से हर्लिन कौर। And she has left the school. ओके, शी हैज लेफ्ट। देन करमवीर आ जाओ, करमवीर, करमवीर इज देयर 6 से Yes. आ जाओ बेटा। यस बेटा, 8th का क्या आंसर होगा? हाउ सेल्स प्रोड्यूस करेंट? Ma'am B. यस, बाय द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग विद इन द सेल्स। अब 9th का जो 8th का जो आंसर बी मार्क कर लो, अभी हमने किया था केमिकल रिएक्शंस। यस बेटा, दैट्स करेक्ट। नाउ कमिंग टू 6B, 6B दिलप्रीत सिंह, 6B दिलप्रीत सिंह। यस बेटा, 9th क्वेश्चन, अ सेल विल स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम व्हेन? Which chemical are used up? One C option. यस दैट्स करेक्ट, व्हेन इट्स केमिकल्स आर यूज्ड अप, दैट्स गुड। ठीक है, सो अब आ जाते हैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, 16th क्वेश्चन पे आ जाओ सीधा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेल एंड बैटरी? 6C से आ जाओ, 6C से इकबाल सिंह, 6C इकबाल सिंह। इकबाल सिंह इज प्रेजेंट। Yes. ओके बेटा, 16th क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी? मैम सेल इज अ वन यूनिट एंड बैटरी इज अ डबल सेल. नॉट डबल, इट कैन बी मोर देन वन सेल, ठीक है, डबल नहीं कह सकते, कई जगह तीन भी डलते हैं, चार भी डलते हैं, है ना?
So we can say cell is a single unit that produce electric current, while battery is a collection of cells, or we can say more than one cell. ठीक है, Okay. sit down. That's good, बेटा. एक आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25. कम टू द क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25. अब हमारे पास यहाँ पर बैटरी दे रखी है, ठीक है? तीन सेल है तो हम इसे बैटरी कहेंगे, हम सेल नहीं कहेंगे. वी डोंट कॉल इट सेल. अब यहाँ पर इन्होंने तीन अरेंजमेंट्स दे रखी है बेटा. अब आपने बताना है कौन सा आपको लगता है इट्स करेक्ट. ठीक है, बी 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 ए सीरीज तो फिर चिकन है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस का. यस, अब बताओ कौन सा अरेंजमेंट सही लग रहा है ए बी सी में से. ये कोई भी मुझे आंसर दे सकता है, हैंड रेज कर दो. ओके, सिक्स से लास्ट रो गर्ल, फर्स्ट बेंच, फर्स्ट बेंच, फर्स्ट बोलता बेंच गर्ल, फर्स्ट बेंच गर्ल. यस यस सी यस, इट्स सी, क्योंकि सारे जो है वायर्स ऐसे सीरीज में कनेक्टेड हैं, और यहाँ पर जो ओपन एंड है वो सारा एक साइड है. ठीक है, तो जब हम डालें तो ताकि उसको हम कलेक्टिवली, ठीक है, अरेंज कर सके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो इजिली कर रहा है एक वे में. ऐसा नहीं कि यहाँ पर ओपन आ रहा है, बीच में ओपन है, बीच में क्लोज है. ठीक है, तो दैट इज वट. अब आ जाते हैं, हमने करंट पढ़ लिया, हमने क्या कहते हैं बैटरी सेल पढ़ लिया. नेक्स्ट आ जाता है, अब हमारे पास जो हमारे रूम में लाइट है वो कैसे आ रही है. स्विच ऑन किया, लाइट ऑन, स्विच ऑफ किया, लाइट गोस, हाउ. अब इसके लिए हम पहले बनाते हैं एक छोटा सा बल्ब. ओके, बल्ब है, इससे यहाँ पर दो वायर्स निकल रही है, टू वायर्स आर देयर. यहां पर हम बैटरी बनाते हैं, इट्स अ बैटरी. ठीक है, इट्स अ बैटरी. और यहां पर हम स्विच बना देते हैं. हम स्विच ऑन करते हैं, बल्ब ग्लो करता है, स्विच ऑफ करते हैं, बल्ब बंद हो जाता है ना. यही चीज होती है, यही होता है बेटा. ये जो आपको पूरा एक फ्लो दिख रहा है, जैसे हम पार्क जाते हैं, पार्क में एक रास्ता बना होता है ना, जिसपे वॉक करना होता है, फुटपाथ बना होता है, ये वॉकिंग बना होता है पाथ. यस, ऐसे ही देखो, आप देखोगे तो एक पाथ बना हुआ है. किस चीज का पाथ है ये, रास्ता किस चीज का है, क्या क्या मूव, इसमें क्या चीज मूव करेगी. करंट करंट. तो यहां पर क्या फ्लो करने वाला है, करंट. तो अब ये क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, तो इस पाथ को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट. इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. Why it is called electric circuit? Because it's a path of electron or electric current flow. ठीक है, तो
तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो करता है, ठीक है? इज इट क्लियर? इतना क्लियर है पहले बताओ, ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्लियर है? रास्ता, वो रास्ता जहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब हमने इसको एक बार एग्जांपल लिया कि आपका पार्क है, पार्क में ऐसे रास्ता बना हुआ है, ठीक है? अगर मैं इस पार्क का, ठीक है, दिस इज द पार्क, उसके ये रास्ते में कुछ काम हो रहा है और यहाँ पर ये रास्ता बंद हो गया है या टूट गया है, तो क्या होगा? आपका ये रास्ता पूरा कंप्लीट होगा? आपकी वॉक पूरी कंप्लीट होगी? नो तो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पर किसका ब्रेक होने वाला है? यहाँ पर क्या ब्रेक होएगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना? इलेक्ट्रिक करंट। अब इस टाइप के सर्किट जिसमें जो है हमारा बीच का जो रास्ता है वो किसी भी तरह इंटरप्ट हो गया है, उसको हम क्या कहते हैं? इस सर्किट को, इसको ड्रॉ करो बेटा, ओपन, इसको कहते हैं ओपन सर्किट। इट इज कॉल्ड ओपन ओपन सर्किट, ठीक है? अब जो हमारा पहले था, ठीक है, जो हमारा इससे पहले था, क्या था? वो बना हुआ था पूरा प्रॉपर, रास्ता बना हुआ था, सब बंद था, उसको हम कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। क्या कहते हैं? क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट क्या हो गया? जिसमें इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा बिना किसी रुकावट के, क्योंकि रास्ता बना हुआ है, रास्ते में कोई चीज जो है उसकी रुकावट में नहीं आ रही, सो इट कैन मूव इजिली। बट इन ओपन सर्किट पाथ इज ब्लॉक्ड और इंटरप्टेड, सो बिकॉज ऑफ दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो इंटरप्टेड, ठीक है? जब रास्ता ही बंद हो जाएगा तो करंट कहां से फ्लो करेगा? तो ओपन सर्किट, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो क्लोज सर्किट हो जाता है, ठीक है? आपने स्विच ऑन किया यहां पर, तो ये जो है रास्ता ये बंद हो गया, क्लोज सर्किट बन गया, करंट फ्लो कर रहा है। आपने स्विच ऑन, स्विच ऑफ के लिए बटन प्रेस किया, वो खुल गया, तो वो जो है बीच में जो है गैप आ गया, इस वजह से बल्ब ग्लो नहीं करता। तो बेसिकली अगर हम कहें, स्विच जो है कंट्रोल करता है कि करंट जाएगा या नहीं जाएगा, पैसेज ऑफ करंट इज कंट्रोल्ड बाय स्विच, ठीक है? कि आगे करंट जाए या ना जाए, क्योंकि वो ओपन और क्लोज सर्किट कर सकता है। इज इट क्लियर? इसको बेटा एक एक्टिविटी से करके देखते हैं, सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू, ठीक है? एक एक्टिविटी करते हैं फटाफट बिफोर एंडिंग द क्लास। कैन यू सी दिस? लाइट कर देना बंद। आई थिंक इट इज मोर क्लियर नाउ। यस, इट इज मोर क्लियर। यस अब यहां देखो बेटा क्या दिख रहा है, यहां पर यू कैन सी बल्ब, ठीक है? ये बल्ब दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हो स्विच, एंड दिस इज द बैटरी। इट इज नॉट अ सेल, क्योंकि दो डले हैं तो इट इज कॉल्ड। अब जो वायर है, हमारे पास वायर्स है यहां से निकली हुई, अगर ये देखो अभी ओपन सर्किट है, यू कैन सी दोनों वायर्स दिख रही है, गैप है, एंड व्हेन देयर इज अ गैप, यू कैन सी व्हेन देयर इज अ गैप, When there is a gap, so you can see there is no glow, or we can say bulb is not glowing here. When open circuit, it is a open circuit right now. ठीक है? Circuit क्या है? Open है. Can you see this? अब हम इसको closed करते हैं. Let me close it. Can you see? Now circuit is closed. Here you can see. ये मैंने वायर्स को ज्वाइन कर दिया, टू एंड्स को, सो नाउ हियर यू कैन सी दिस बल्ब इज ग्लोइंग, यस? दिस शोज अस, अगर ओपन सर्किट है, फिर से इसे मैं ओपन कर देती हूँ, नाउ इट्स अगेन ओपन,
and here you can see bulb is not glowing. Now I am closing the circuit again. Okay, I am closing it again, so you can see it's glowing again. Yes. Yes. So this is what circuit does. ये सर्किट का काम होता है बेटा कि सर्किट जो है ये चीज करता है. स्विच अगर हमने ऑन किया सर्किट क्लोज, अगर हमने ऑफ किया स्विच सो सर्किट इज ओपन, एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी बल्ब इज ग्लोइंग और नॉट. ठीक है. सो इस पे एक फटाफट जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है 26 वाला. 26, विच वन इज ओपन सर्किट एंड विच वन इज क्लोज सर्किट, बताओ फटाफट. जो फर्स्ट है वो क्लोज है या ओपन है? यस, सो फर्स्ट वन इज ओपन एंड सेकेंड वन इज क्लोज. दैट्स राइट, दैट्स राइट. ठीक है, फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर पे. व्हाई आर इलेक्ट्रिक सेल्स नॉर्मली नोन एज ड्राई सेल्स? क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20, यस क्वेश्चन नंबर 20 बेटा. ड्राई सेल्स क्यों कहते हैं? इसका भी हमने किया था. जो सेल था उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ड्राई केमिकल. ड्राई केमिकल. सो यू राइट डाउन द आंसर, बिकॉज इलेक्ट्रिक सेल्स कंटेन ड्राई पेस्ट ऑफ केमिकल्स. ड्राई पेस्ट ऑफ केमिकल्स, सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड ड्राई सेल्स. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21, हाउ इज ओपन सर्किट डिफरेंट फ्रॉम क्लोज्ड सर्किट? अभी हमने किया. How is open circuit is different from closed circuit? Open circuit में क्या होता है? Path is interrupted or blocked. While in closed circuits, it's complete. So in open circuit, current will not flow, and in closed circuit, current will flow. ठीक है. अब आ जाता है बेटा 16th क्वेश्चन पे. हमने कर लिया ना सेल एंड बैटरी, वी हैव डन सेल एंड बैटरी. सो 15th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द सर्किट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द पैसेज ऑफ करंट थ्रू इट? किससे कंट्रोल करोगे करंट? किससे? स्विच. ठीक है कि करंट आएगा या नहीं आएगा. अब इसी पे आ जाओ, इसी पेज में बेटा. डी करके है 14 का. टू द ग्लो ऑफ द बल्ब इफ इंस्टेड ऑफ ए सेल बैटरीज आर यूज्ड इन ए सर्किट, क्या होगा? अगर हम सेल की जगह बैटरी यूज कर लें क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया था. इंस्टेड ऑफ सेल इफ वी यूज बैटरीज व्हाट विल हैपन? इट विल वर्क फॉर लॉन्गर टाइम. इट विल वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम. अब आ जाता है इफ, इसी में 14th में आ जाओ. ए, इफ देयर इज नो सेल इन ए सर्किट, अगर सेल नहीं होगा तो क्या होगा? यस, किसने बताया? यस, इट्स करेक्ट आंसर. नो इलेक्ट्रिक करंट आंसर आ जाएगा. देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक करंट. बी आ जाता है इफ एट एनी पॉइंट वायर इज कट, तो वायर कट होगी तो ओपन सर्किट बन गया. ओपन सर्किट बन गया तो फ्लो, यस फ्लो ऑफ करंट इज इंटरप्टेड. सी में आ जाते हैं इफ ए सर्किट हैज ए सेल वायर एंड स्विच बट नो बल्ब, तो क्या हो जाएगा? बल्ब नहीं है तो. अब हमारा ये जो सर्किट है इसमें अगर बल्ब नहीं होगा तो क्या होगा? अब क्या होगा? बल्ब लगने से क्या हो जाता है बेटा? कुछ जो एनर्जी है वो ये यूज करना शुरू करता है, ठीक है, और कंट्रोल करता है सर्किट को. लेकिन अगर बल्ब नहीं होगा तो क्या होगा? बार बार एनर्जी बहुत तेजी से इधर से उधर जाती रहेगी, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो बैटरी है जल्दी खत्म हो जाएगी. सो राइट डाउन, बल्ब एक्ट एज
रजिस्टर, बल्ब एक्ट एज रजिस्टर, बल्ब एक्ट एज रजिस्टर कॉमा, इन द एब्सेंस ऑफ बल्ब, इन द एब्सेंस ऑफ बल्ब बैटरी ड्रेन्ड ऑफ फास्ट, बैटरी ड्रेन्ड ऑफ फास्ट। ठीक है, सेवंथ पे आ जाओ। व्हाट इज द रोल ऑफ ए बैटरी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? कौन बताएगा? व्हाट इज द रोल ऑफ बैटरी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? एनर्जी मोर देन इलेक्ट्रॉन्स टू Yes. प्रोवाइड एनर्जी मोर देन इलेक्ट्रॉन्स टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स। सो आंसर इज बी। सेवंथ का आंसर है बी। सेवंथ आंसर इज बी। ठीक है, कमिंग टू इलेवंथ, व्हाट इंश्योर्स अ कंप्लीट पाथ फॉर द करंट इन अ सर्किट? व्हाट इंश्योर्स अ कंप्लीट पाथ फॉर द करंट इन अ सर्किट? Close अ क्लोज स्विच। यस, इट्स सी, दैट्स करेक्ट। सो नाउ वी विल डू और वी आर गोइंग, ओके, सो वी विल कंप्लीट दिस असाइनमेंट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, सो योर मैथ क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स। बाय। Do math worksheet, decimal chapter, and you should have the notebook where you have solved it and RMB also. Let us move on. हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग टीचर्स। राइट, सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आर असाइनमेंट ऑन डेसिमल्स इन द प्रीवियस क्लास। आप लोगों ने कर लिया बच्चे असाइनमेंट कंप्लीट लास्ट क्लास में? Yes. एनी डाउट्स इन दैट असाइनमेंट? कोई असाइनमेंट नहीं? वेरी गुड। सो स्टूडेंट, टुडे विल बी डूइंग सम क्वेश्चन ऑन कन्वर्जन्स। नाउ व्हेन वी से कन्वर्जन्स, सो वी मीन्स द कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब जो यूनिट्स हैं उनको हम डेसिमल्स में कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस। देखिए, जब भी हम वेट लेते हैं, वेट किस चीज में मेजर करता है बेटा? वेट को किस क्वांटिटी में मेजर करते हैं हम? ग्राम ग्राम्स और किलोग्राम्स। किलोग्राम बिगर यूनिट है और ग्राम्स जो है वो स्मॉलर। राइट, सो व्हेन वी से वेट 1 किलोग्राम, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 किलोग्राम? 1000 ग्राम्स। राइट, इफ आई से कि हाउ मेनी, व्हेन आई से हाउ मेनी किलोग्राम्स आर देयर इन 1 ग्राम, 1/5000।
1 ग्राम, वेरी गुड बच्चों, किसने बोला? वेरी गुड, 1 ग्राम किसके इक्वल है? 1/1000, राइट? इज दिस क्लियर? सो दिस इज द वे टू कन्वर्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए बेटा, सपोज कीजिए आई हैव 20 ग्राम्स, इफ आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम्स, 20 ग्राम्स इफ आई हैव टू कन्वर्ट इनटू किलोग्राम्स। नाउ 1 ग्राम किसके इक्वल है बेटा? सो 20 ग्राम किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 20 बाय। दिस इज द वन वे ऑफ राइटिंग इट इन द फ्रैक्शन फॉर्म, बट इफ वी हैव टू कन्वर्ट इन टू डेसिमल वट विल डू? 0 से 0 कैंसिल बेटा। So means, what is the meaning of this? 2 hundredths, right? Yes. Hundredths, right? So what it will become? 0.0002. Right, bachcho? Is this clear? Yes. It will become 0.02 kilogram. Now, this way we can convert the various quantities given in kilogram and grams in decimal form, right? So 0.20 grams. Now take one more example. 4 kilogram 20 grams. Now if you have to write it into decimal form, how you will write it? How will you write in decimal form? See, whenever you have to write in decimal form, there are two parts. One is the whole part. One is fraction part. Another is? Fraction part. Two part, right? So this is your whole part. So that is 4 point. Now point wala part jo hai, this is 20 grams. You have to put it into fraction. So now what this means? 20 upon 1000. This is clear. So what it becomes? 1.02. Is this clear, bachcho? Yes. Anything not clear? Clear hai? Yes. Ek question deta hu main. Add. Add these three quantities. You have to add these three quantities. First of all, you convert, right, all the quantities into the decimal part and then you add them. बच्चे करने के बाद कोई भी आंसर नहीं बताएगा, जिस बच्चे से पूछा जाए ओनली दैट स्टूडेंट विल रिप्लाई, राइट? Okay. We're done. How many of you have done? 1, 2, 3, 4, 5. चलिए बाकी बच्चे जल्दी से कीजिए जरा। हाँ जी,
रोल नंबर 7 सेक्शन ए, हुज देयर? हाँ जी प्लीज स्टैंड अप। रोल नंबर 7। यस अरे हैंड आपने सर, रेज किया, यस हैंड आपके साथ वाले बच्चे ने रेज किया था या आपने किया था? सर, बेटा माइक अपने पास रख के फिर बोलिए। यस ओके, हैव यू डन दिस क्वेश्चन? हैव यू डन दिस क्वेश्चन? सर, नो सर, नो वाय बेटा, हैव यू वाय नॉट अंडरस्टूड? प्लीज सर, आई एम डूइंग, डू इट फास्ट। बताइए सर, दिस इज डन, ओनली एडिशन इज लेफ्ट, ओनली एडिशन इज लेफ्ट सर, प्लीज प्लीज डू द एडिशन। ऑल अदर्स आल्सो, बच्चे जिन्होंने नहीं किया प्लीज डू इट, टेक 2 मिनट्स मोर, एडिशन करिए, देन आई विल आस्क। सर कितने बच्चों का क्वेश्चन रह गया अभी बेटा? हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड? सेक्शन बी में कितने लोगों ने नहीं किया अभी? प्लीज रेज योर हैंड। जिनका नहीं हुआ, एवरीबडी डन? चलिए मैं बुला लेता हूँ भी आपको। 1 2 3। थर्ड बेंच में सेंटर पे जो, डन सेक्शन बी थर्ड बेंच जो सेंटर पे गर्ल स्टूडेंट इज देयर, प्लीज कम। सर, डन बैठ जाइए बेटा, आप बैठ जाइए। हाँ जी, सेंटर में जो बिल्कुल सेंटर में स्टूडेंट है, यस प्लीज कम बच्चे। हाँ यू डन बेटा, प्लीज यस टेल मी व्हाट यू हैव डन। दैट सर, 52 kg, 338 ग्राम, इज द आंसर, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द आंसर, प्लीज टेल मी स्टेप बाय स्टेप व्हाट यू हैव डन, हाउ यू हैव रिटर्न 17 kg 237 ग्राम्स। ओनली बेटा एडिशन के लिए आपने पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया या नहीं किया? एडिशन सर, नो देन हाउ यू हैव डन? कैसे सर, सिंपली एडिशन भी किया मुझे बताओ जरा, कैसे किया सिंपली एडिशन, कैसे किया? प्लीज लुक एट टुवार्ड द स्क्रीन बेटा। हाँ जी प्लीज टेल मी हाउ यू हैव एडिड। फर्स्टली 18, 7 7 प्लस 6 प्लस 5 18, ओके मींस वन कैरी आपने सबसे पहले इन तीनों को ऐड किया। सर, यस अच्छा जी, फिर क्या आया? हाँ जी, सर, 18 वन एटीन का वन कैरी, राइट राइट। कैरी, 13 एंड थ्री राइट एंड देन केजीज 12, ट्वेल्व हाँ जी 12, एंड फाइव अच्छा एंड फाइव, क्या आंसर आ गया बेटा? 52 kg, 338 ग्राम, फिफ्टी टू के जी 1200, सॉरी 52 kg 338 ग्राम्स। सभी बच्चों ने बेटा इसी तरह किया है? ऑल ऑफ यू हैव डन द सेम वे? बेटा नो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शैड कन्वर्ट ऑल द यूनिट्स, ऑल द टर्म्स इनटू द डेसिमल फॉर्म। हाउ यू शैड कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म? 17.237। बेटे व्हेन एवर यू हैव टू डू इट इन द एग्जाम्स, you have to do it by proper method. First, you shall convert all the numbers in decimals and then add them. Right? Is this clear? चलिए बैठ जाइए। हाँ जी बच्चे, नाउ सेक्शन सी। सेक्शन सी जो बेटा सेकंड बेंच पे स्टूडेंट बैठा है, लेफ्ट से थर्ड, लेफ्ट से थर्ड आ जाइए जरा बाहर। सर, हाँ जी बच्चे, सो मुझे बताइए कि आपने कैसे किया है क्वेश्चन? प्लीज फर्स्टली कन्वर्ट इन डेसिमल, टेल मी हाउ यू हैव डन इट, व्हाट विल बी 17 kg 237 ग्राम्स? सर 17.237, ओके एंड 4 kg 96 ग्राम्स? 4.96,
4.096। हाँ जी 4.096। जीरो नाइन सिक्स। ओके एंड व्हाट अबाउट थर्ड वन? 31.005। यस दिस इज द वे यू शुड हैव डन इट। इनको ऐड करेंगे तो कितना आया बेटा? 52.338। सर ये राइट बेटा प्लीज सिट डाउन। यार बच्चों दिस इज द वे यू शुड डू इट। आपने जो किया है द स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन बी आंसर इज करेक्ट बट द मेथड इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शैल कन्वर्ट ऑल द क्वांटिटीज इनटू द डेसिमल फॉर्म देन ऐड। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इस पे। What happened, बच्चों? Why disturbance? Our students are coming from practice. The students are coming from practice. Okay. Please do this question, bacho. 37 kilograms, 686 grams, 24 kilograms, 13 grams, and 7 kilograms, 348 grams. Right? First of all, convert all the quantities into the decimal form. Then student add it. Sir, done. Okay, how many of you have done? Oh, very few. Section B, जल्दी कीजिए बच्चों. Yes, sir, done. तीन चार बच्चों ने किया बेटा, पीछे वाले तो कोई नहीं किया हुआ. Last class. पीछे वाले जल्दी से कीजिए बेटा. सेक्शन ए में भी काफी लोगों ने नहीं किया है, ओनली फ्यू पीपल हैव डन. हाँ जी रोल नंबर 13 सेक्शन ए, रोल नंबर 13 सेक्शन ए प्लीज कम. कौन है जी रोल नंबर 13? आ जाओ. हाँ जी बताइए मुझे जरा क्या किया आपने. नोटबुक लेके आया करो अपने साथ में. हाँ जी बेटा टेल मी व्हाट यू हैव डन. आवाज नहीं आई आपकी बेटा? वाह बच्चे. हाँ जी वेट कर रहे थे बेटा, मैं आपको बुलाऊंगा और आप बोलोगे कि नहीं डन. क्यों नहीं किया आपने? मैम हैव हैज ही डन समथिंग? सर 37. हाँ जी बोलो 37. बेटा बोलो आपको किसने रोका है? प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव डन. आपने ठीक किया गलत किया वो मैटर नहीं करता, प्लीज रिप्रेजेंट. 68 37.37 yes. 68.6 बेटा देखिए एक चीज ध्यान रखिए, आपने जो लिखा है ना बेटा ये 37. इसको इसको कैसे रीड करते हैं? ऑल ऑफ यस लिसन स्टूडेंट लिसन केयरफुली बेटा. आप जब भी डेसिमल के बाद वाले नंबर रीड करते हैं आप इसको ऐसे नहीं रीड करेंगे 686. नो यू हैव टू रीड डेसिमल डिजिट 37.686 राइट.
यस 186 नहीं, कोई 686 नहीं, नो, यू हैव टू रीड इट डिजिट बाय डिजिट. 686. हाँ जी, व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 24 केजी 13 ग्राम्स, बताइए बच्चा. रोल नंबर 13. बोलो बोलो. हाँ जी, 24 24. आगे बोलो बेटा. पॉइंट. यस, 24.0. बेटा हेल्प नहीं करेंगे कोई साथ वाले बच्चे, प्लीज. उसको नहीं आता, मैं 10 बार सिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई डोंट वॉन्ट टू सी दिस थिंग. उसको सिखाने के लिए खड़े हैं बेटा हम, उसको नकल करनी नहीं सिखानी हमने. हाँ जी बेटा बोलिए. जीरो. जीरो, वेरी गुड. हाँ जी आगे. बोलो पुत्र. हाँ जी, 13 नहीं बोलना बेटा, 13 बोलना है. ठीक है, आगे बोलिए. नेक्स्ट सर. 07. 07, वेरी गुड. हाँ जी आगे बोलो. पॉइंट. यस, 34. अच्छा जी, 8. 34.8. तो बेटा जो मैं बता रहा हूँ, केड़ी लैंग्वेज तुम्हें समझ आती है, हिंदी इंग्लिश पंजाबी? हाँ जी, विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन? बेटा मैंने आपको अभी बताया है कि जब डेसिमल के बाद वाले नंबर आपने बोलने हैं तो उसको कैसे बोलना है, एक एक करके बोलना है. 34.8 नहीं बोलना, नो, 3.4.8. क्या बोलना है आपको? 3.4.8. पहले वाला नंबर क्या बोलेंगे? ये वाला. बोलो. 37.686. वेरी गुड. चलो अब इनको ऐड करते हैं हम दोनों. चलिए हम दोनों ऐड करते हैं बेटा. ऐड करना आता है ना? यस. चलो अब सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे लास्ट वाली डिजिट है उसको ऐड करना है. हाउ यू कैन ऐड देम? 6 + 3 + 8, जल्दी से बताओ करके कितना होता है. 6 + 3 कितना होता है? 9. 9 + 8. 17. तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा बेटा? सर 7. 7. एक कहाँ गया? एक कहाँ जाएगा? सर 1 कैरी. वेरी गुड. ये लो जी, हमने 1 कैरी कर दिया. अब आगे क्या करें? अब इनको ऐड करो बेटा, 1814 को कीजिए जरा इनको ऐड. सर 9. 9 बनता है चारों का. बच्चे देखा, आराम से कर, टेंशन नहीं लेनी है. 1 + 8 कितना होता है? 14. हाँ जी, क्या होता है? 14. 14 का 4, 1 कैरी किया. आगे कीजिए बेटा, आपका वीडियो होल्ड हो गया है. हाँ जी कीजिए जरा. मैम व्हाट इज द इश्यू विद द वीडियो एंड ऑडियो? ओके, देयर इज सम इश्यू देयर. हाँ जी, इन द मीन टाइम सेक्शन बी. सेक्शन बी रोल नंबर 9, प्लीज कम. अच्छा आ गया बेटा. हाँ जी बताइए जरा. एक एक मिनट बेटा वेट करें जरा आप.
सेक्शन बी वाला स्टूडेंट। हाँ जी बताइए बेटा, आगे बोलिए जरा, ऐड करके क्या आ रहा है। हाँ जी 14 तो कर दिया है ना बेटा, 14 का 1 भी कैरी कर लिया, आगे क्या करना है। 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 कितना होता है, 7 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 10 सर 10 का 0 आ गया, तो 1 हमने यहाँ पे कैरी कर लिया। 7 प्लस 1 कितना होता है, सर 8 8 प्लस 4, सर 12 12 प्लस 7, 8 हाँ जी 12 प्लस 7। अरे फिंगर्स है ना, काउंट करनी आती है ना, आती है फिंगर्स पे काउंट करना। वीडियो होल्ड हो गया फिर। हाँ जी बेटा कितना होता है 12 प्लस 7, टेल मी। आप ज्यादा टाइम लगा रहे हो, आप 12 प्लस 7 कितना होता है, 19, 1 कैरी किया, 3 प्लस 1 4 प्लस 2, तो ये टोटल आ गया बेटा। तो हाउ वी कैन राइट दिस एज 69 किलोग्राम्स 47 ग्राम्स, इज दिस क्लियर। यस सोचो, इज इट क्लियर। चलिए ठीक है बेटा, बैठ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, आप वो करिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अभी हमने वेट का किया है, नाउ विल बी डूइंग ऑफ लेंथ, कन्वर्जन ऑफ लेंथ। अब लेंथ की कन्वर्जन में बच्चे हम जनरली 2-3 यूनिट्स यूज करते हैं। वन इज सबसे जो कॉमन है मीटर, अनदर उसकी स्मॉलर यूनिट होती है सेंटीमीटर, और उससे ग्रेटर यूनिट होती है। सो व्हेन वी से 1 मीटर, मीटर किसके इक्वल होता है बेटा, 1000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर। क्या बात है, कौन है ये 1000 किलोमीटर वाला, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट, इज इज क्लियर। और 1 किलोमीटर कितना आता है, 1 किलोमीटर थाउजेंड मीटर। अच्छा इफ आई आस्क यू 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है। हाँ जी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, बताइए बेटा, बोलिए। 1 लाख, सर देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 100,000 बन गया, विच इज 1 लाख होता है बच्चे ये, राइट। तो चलिए बच्चे अब हम इनको कन्वर्जन करना सीखेंगे। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, और 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर के इक्वल है। सपोज इट इज गिवन टू मी 13 मीटर 4 सेंटीमीटर, तो हाउ टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। अगेन सेम मेथड, दिस विल बी योर होल पार्ट, दिस विल बी योर फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो आपका होल पार्ट कितना होगा बेटा, पार्ट 13 एंड 4 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर इन 1 मीटर। तो हंड्रेड यहां से देखिए क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, तो वन बाय 100 मीटर यहां पे कितना आ जाएगा, 4 बाय 100, तो व्हाट विल बी 4 बाय 100, 0.04 राइट। सो इट विल बी इक्वल टू 13.04 मीटर, इज इस क्लियर। सही है इसको कन्वर्ट कीजिए बेटा 8 किलोमीटर 90 मीटर्स को,
सर 13.009 किलोमीटर। हाँ जी 13.009। कौन बच्चा था बेटा ये? प्लीज रेज योर हैंड। आ जाओ आ जाओ, जरा खड़ा होके आ जाओ। हाँ जी दोबारा बोलिए जरा। सर 13.009 किलोमीटर। 009 कैसे आया बेटा? देखिए 1 मीटर किसके इक्वल आ जाएगा? 1/1000 किलोमीटर के इक्वल आ जाएगा बेटा, राइट। तो ये 90 मीटर को 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा? ये बनेगा, इज दिस क्लियर? यस। तो 009 थोड़ी आएगा बेटा, 09 आएगा। इज दिस क्लियर? यस। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारे पास। अभी हमने वेट कर लिया, हमने लेंथ कर लिया, अब आती है वॉल्यूम की यूनिट। वो क्या होती है जिसे हम बोलते हैं लीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं बच्चों? 1000 मिलीलीटर। और 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर किसके इक्वल होता है? 1/1000। इज दिस क्लियर बच्चों? तो अभी हम सारी कन्वर्जन यूज करेंगे जी, राइट। दोनों में से कुछ भी आ सकती है आपको, तो ध्यान से समझना है बच्चे आपने। इज दिस क्लियर? कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल फॉर्म एंड एड एड टू राइट बेटा, कन्वर्ट बोथ ऑफ देम इनटू डेसिमल फॉर्म एंड देन ऐड। हाँ जी बच्चों, डन? यस। बच्चे क्या बना है? 14 मीटर 31 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, आज आपका ऑनलाइन टेस्ट है 6 o'clock, जो आज आप मैथ्स में और साइंस में पढ़ रहे हो, ठीक है? ओके मैम। ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो 14 मीटर 31 सेंटीमीटर ऑल यू कैन राइट इनटू डेसिमल फॉर्म। थ्री वन मीटर। एंड व्हाट अबाउट 3 मीटर 7 सेंटीमीटर? 3.07 मीटर। सो नाउ यू हैव टू ऐड देम। यस। ऐड करके क्या आएगा बच्चे? 17 मीटर। ठीक है, इज इट क्लियर? एक और जो कन्वर्जन होती है, दैट इज ऑफ कन्वर्जन ऑफ मनी। हाउ मेनी पैसे आर देयर इन 1 रुपी? 100 इक्वल टू 100 पैसे, राइट? इज दिस क्लियर? यस। नाउ इफ आई एम राइटिंग, how much money is this? 47 rupees. 4 paise, right? Is this clear? So आपको रिवर्स में भी आ सकता है क्वेश्चन बेटा, ठीक है? एडिशन आता है बेटा इसका? सेवेंटी पैसे
पैसे एड देम बच्चों हाँ जी बच्चों हो गया यस यस डन हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन तो पढ़े हुए अभी भी सेक्शन सी ने तो सी वालों ने तो किया ही नहीं अभी तक हाउ मेनी ऑफ सी सेक्शन स्टूडेंट हैव डन रेज योर हैंड्स ओनली थ्री फोर प्लीज फिनिश इट बच्चे फिनिश इट फास्ट ना इजी क्वेश्चन दिया बेटा ये भी नहीं आपने किया अभी तक चलिए हाँ जी सेक्शन सी से आ जाए 12 रोल नंबर 12 फ्रॉम सेक्शन सी अच्छा फ्रंट पे ही बैठे हैं हाँ जी बेटा बताइए क्या किया सर कन्वर्जन कन्वर्जन क्या हुई है बेटा बताइए सर सर पैसे 2 रुपी हाँ जी क्या किया बेटा आपने मैम प्लीज चेक हर नोटबुक सर 200.070 200.070 ओके सेकंड वाला क्या लिखा बेटा उसको 136.012 बेटा हाउ मेनी पैसे आर देयर इन 1 रुपी 0.01 बेटा क्वेश्चन समझो पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं 100 पैसे 100 पैसे होते हैं तो अभी तो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको आपने 100 से डिवाइड किया 70 को जब 100 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आया है कितना आंसर आएगा बेटा ये कैंसिल हो गया तो ये कितना आ रहा है बेटा 0.7 आप 0.007 क्यों बोल रहे हो फिर आप यू आर टेलिंग मी 0.0007 है बेटा दिस विल बिकम 20.200.70 और 7 राइट सिमिलरली यहां पे भी आप रॉन्ग बोल रहे थे इट विल बी 136.12 अब इनको आप ऐड कर दो इनको ऐड कीजिए बेटा कितना आ रहा है बेटा जिससे पूछ रहा हूँ ना ऑल द अदर स्टूडेंट प्लीज कीप क्वाइट देर इज अ वन स्टूडेंट हु इज रिप्लाइंग राइट लेट लेट हर फिनिश हाँ जी बच्चे प्लीज कंप्लीट 336.82 336.82 इसकी यूनिट क्या होगी बेटा यूनिट क्या होगी हाँ जी सर रुपीस 336.82 यस इट विल बी रुपीस राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों राइट डाउन द क्वेश्चन बच्चों हाँ जी राइट डाउन योर मदर gives you 500 rupees your mother gives you 500 rupees and ask you to buy
ask you to buy 2 liters of sugar, 2 liters of milk costing 2 liters of milk costing ₹126.20, 2.5 kg of sugar costing ₹137.90, 1 kg potatoes costing ₹19.80. How much money is left with you? Please do the question, bacho. Please do the question. Have you understood the question, students? Yes. चलिए फिर फटाफट से कर दीजिए जरा. हाँ जी बच्चों, क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में? यस, टेल मी व्हाट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन. डन. वेरी गुड. हाँ जी, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन? हाँ बताइए बेटा. सेक्शन ए से स्टूडेंट हैंड रेज किया आपने फ्रंट बेंच. फर्स्ट वी हैव टू प्लस द एड द रुपीस 126.20 प्लस रुपीस. वी हैव टू ऐड दीज थ्री टर्म्स राइट देन. सर द आंसर इज. आंसर नहीं पूछा बेटा, करना क्या है ये बताइए. सर देन द वी हैव टू सबट्रैक्ट द आंसर विद 500 रुपीस. विद 500 या फ्रॉम 500? फ्रॉम 500. ठीक है ना, विद नहीं होता बेटा, फ्रॉम होता है. ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन समझ में आया. यू हैव टू ऐड ऑल दीज थ्री टर्म्स राइट एंड देन वट एवर 500 रुपीज यू आर कैरिंग यू विल पे फ्रॉम दैट. सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस मच अमाउंट फ्रॉम 500 टू गेट द बैलेंस. I'm done. हाँ जी, स्टूडेंट नंबर डन. स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन 6B रोल नंबर 15, आ जाओ जरा.
Sir, the answer is three. Just a moment. Let me ask you the question. हाँ जी, what you have done? आंसर नहीं मुझे चाहिए, आंसर तो मैं बाद में आ ही जाएगा. हाउ यू हैव डन दैट इज इम्पोर्टेंट. सर फर्स्टली आई हैव एड द ऑल कॉस्ट एंड द आई हैव सबट्रैक्टेड विद द आंसर ऑफ द कॉस्ट. नहीं नहीं बेटा, आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, मेरी स्पीड कम है, प्लीज मेरे साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए. हाँ जी, तो आपने जब इन तीनों को ऐड किया, सो व्हाट यू गॉट? सर जीरो. जीरो आया सबका आंसर. सर व्हाट? व्हाट इज द आंसर? जीरो. आगे बोलिए. सर नाइन. नाइन देन थ्री. थ्री. वन कैरी किया, सेवन सेवन 23. ठीक है जी. देन सर एट. देन सर टू. टू. सो दिस मच अमाउंट हैज बीन स्पेंट. 283.90. राइट. नाउ व्हाट यू डन? सर आई हैव सबट्रैक्टेड विद द आंसर. कितना था आंसर? सर 383.90. 283 था, 87 था. ऐसे पॉइंट नाइन जीरो. राइट. इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया बेटा? सर जीरो. हाँ सर. नाइन. हाँ जी बोलो. सर वन. वन ठीक है. देन आपने कुछ गलत कर दिया है ना? मैं सर स्मॉलर से बिगर तो कर दिया. आपको पता चल गया था बेटा. वेरी गुड. चलिए अभी करेक्ट करके बताइए. अभी बताइए सर को. चलो लीव सर. सिक्स. हाँ जी. सर वन. वन. वेरी गुड. सर थ्री. थ्री. सर टू. टू ठीक है. सर यस. आपका आ रहा है बेटा सेम आंसर? सर यस. प्लीज सिट डाउन. वेरी गुड. किसी स्टूडेंट को कोई स्टेप नहीं समझ आया इस क्वेश्चन में, प्लीज टेल मी. एनीथिंग नॉट क्लियर बेटा, प्लीज यू कैन आस्क. चलिए एक और क्वेश्चन करें फिर. राइट डाउन बच्चे. हाँ जी. आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आती है बेटा? यस. प्लीज डू दिस. हाँ जी बच्चों, प्लीज डू दिस. Thank you.
हाँ जी बच्चे हो गया जीरो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन। बाकी लोग जल्दी से कीजिए बेटा। ओनली वन स्टूडेंट हैव डन टिल नाउ। हाँ और सेक्शन सी और बी से नहीं किया अभी बच्चों ने। नोबडी हैज डन। अच्छा किया है दो तीन लोगों ने। ओके चलिए हाँ जी सेक्शन सी रोल नंबर 11। गुरकमल 11 है। अच्छा वो गुड सिस्टर यहाँ पर मोरे मिला। हाँ जी बेटा हैव यू डन। बाय बाय बेटा। हाँ जी प्लीज टेल मी व्हाई यू हैव नॉट डन। थोड़ा सा रह गया। बताइए चला हम इकट्ठे करते हैं। बताइए क्या किया अभी तक आपने। बताइए बेटा व्हाट यू हैव डन। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किसको किया। सर 23.770 को 24 के साथ सर। कैसे किया बताइए जरा मुझे भी। लीजिए जी। हाँ जी फोर इज अ जीरो। राइट बोलो आगे बोलते जाओ। 4 7 28 सर नीचे 8 आ जाएगा वो 2 कैरी हो जाएगा। बेटा नो नॉइस। सेक्शन ए प्लीज बी कीप क्वाइट। हाँ जी प्लीज टेल मी बेटा आगे तू कैरी किया आगे बोलो। सर 4 3 12 12 हाँ सर जी बेटा नीचे 4 नो टॉकिंग। ये हेलो प्लीज ये फ्रंट बेंच पे जो गर्ल्स बैठी हैं डोंट हेल्प हर। आप चारों लोग उठ के पीछे चले जाओ। प्लीज गो बैक। प्लीज गो बैक ऑल द फाइव स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा प्लीज टेल मी नाउ। राइट फिर 2 कैरी आ जाएगा टू कैरी आ गया तो हमारा नंबर क्या आएगा यहाँ पे। फोर सर नीचे 4 आ जाएगा आ जाएगा। वेरी गुड देन सर 1 कैरी। वन कैरी कर लिया देन। सर 9 आ जाएगा सर वेरी गुड। और उसके बाद क्या करेंगे बेटा। नीचे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन आ गया जी देन। जो सर नीचे 0 आ जाएगा आ गया जी देन। सर नीचे 4 आ जाएगा और 1 कैरी हाँ जी फोर आ गया वन कैरी कर लिया राइट देन। सर 7 आ जाएगा सर वेरी गुड देन। वेरी 4 गुड कितना है इनको ऐड करके। 0 राइट 8 right. पॉइंट एट सर 8 सर 6 सर गुड 1 कैरी 5 आ जाएगा सही आ जाएगा यस राइट बच्चों इज दिस करेक्ट। यस 568.80 रुपीज विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर। ओके एनीथिंग नॉट क्लियर बच्चों। सर एनीथिंग नॉट क्लियर। सो आज हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स किए बच्चों। We सर have learned the conversion of weight, kilogram to grams, meters to centimeter, kilometer to meter, liter to milliliter and rupees to ऐसे राइट। इसमें कोई डाउट स्टूडेंट को कोई डाउट हो। अच्छा आज आपका टेस्ट है बेटा उसकी प्रेपरेशन है आप लोगों की।
सर यस। आपको अरेंज करना आता है सारे डेसिमल नंबर को? सर यस। एडिशन सब्ट्रैक्शन? सर यस। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक्स अ लॉट टीचर्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट फॉर योर टेस्ट, थैंक यू सर।